खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। भारतीय किसान संघ रूपवास के तहसील मंत्री से खबर 9 की खास बातचीत। भरतपुर खबर 9 के विशेष चर्चा कार्यक्रम में हमारे संवाददाता ने बात की। भारतीय किसान संघ रूपवास के तहसील मंत्री हरिश्चंद शर्मा ने किसानों के हितों में कार्य किया है, जानने की कोशिश करते हैं उनकी मुजबानी। नमस्कार, मैं हूं सतीश सारस्वत। खबर 9 के विशेष चर्चा कार्यक्रम में मेरे साथ हैं भारतीय किसान संघ के रूपवा तहसील के मंत्री हरिश्चंद शर्मा। हरिश्चंद जी, पहला सवाल मेरा आपसे, किसानों के हितों में जो आपके संगठन के द्वारा कार्य किए उनके बारे में। अब तक किसानों के हित में ऐसे बहुत से काम किए गए हैं, जैसे कि हमारे रूपवा धान मंडी में हमारी समस्या आ रही थी किरदे। आज हमारे रूपवा मंडी में किरदार नहीं दिया जाता, बहुत अच्छी तरीके से मंडी चल रही है, लेबर परेशानी आ रही थी, तो हमारे सेक्टरी साहब से हमने बोल के लेबर सही कर दी है, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और अपने क्षेत्र में बीमा में बहुत परेशानी आई थी, तो बीमा भी 18-19 का मिल गया है, बाकी का और हम अधिकारी से बात कर रहे हैं, वो मिल जाए, इस फसल खराबी का जो बीमा होता है उसके लिए। अच्छा, राज्य सरकार के द्वारा कुछ दिन पहले बजट पेश किया गया है, उसको उसके नजरिए से देखें तो आपके किसानों को और आपके संगठन को मतलब क्या लाभ मिला है उसके उसके बारे में? किसानों के लिए हमारे जो राजस्थान सरकार ने काम किए हैं बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे कि हमने नया बजट जो पेश किया है किसानों के लिए, अलग से बजट जो बनाया है उससे हम संतुष्ट हैं। बाकी के काम सब चल रहे हैं, जैसे कि हमें लाइट का कर रहे हैं, 2 साल में लाइट के कनेक्शन सब किसानों को मिल जाएंगे, ये बहुत खुशी की बात है। राजस्थान सरकार इसी तरीके से काम कर रही तो बहुत अच्छा हमें मिलेगा और सरकारों को भी ये चीज़ का सबक मिलेगा कि अलग से बजट बनाए, बहुत अच्छी बात है। हमारी राजस्थान सरकार ने ये अच्छा किया है, हम इससे संतुष्ट भी हैं। आगे आप किसान संघ के द्वारा आने वाले समय में आप किसानों के समस्याओं को लेकर या उनके हितों के लिए क्या कार्य करना चाहेंगे? पहले नंबर अपने क्षेत्र में पेयजल और किसानों की सिंचाई के लिए बहुत बड़ी बड़ी समस्या बन गई। हम चाहते हैं कि चंबल नदी का पानी हमारी गंभीर नदी में आए, इससे ज़्यादा संतुष्टि किसानों के लिए कुछ नहीं होगी। हमारे इसको हम बहुत गाँव गाड़ी गाड़ी हर पंचायत स्तर पर इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं। राजस्थान सरकार को भी कह रहे हैं कि नदी जोड़ो योजना अटल जी ने जान जा चुकी थी, आज वो योजना गड्ढे में पड़ी हुई, उसको आप ये सरकार लागू कर दे तो किसानों के लिए इतना बड़ा सुख होगा जिसकी कोई हद नहीं। हम इसको हर गांव, हर गड़ी, हर तहसील स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर इसको उठाएंगे और तभी हमारे किसानों का भला, अन्यथा लाभ हुई। अपने सहयोगी मनीष शर्मा के साथ सतीश सारस्वत, खबर 9 भरतपुर। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।